गुड मॉर्निंग, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 ऑल सेट्स। यहाँ पर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और जहाँ पर आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आता है, तो इसके लिए जैसे पहले सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर टू डेज। सबसे पहले आपको देखना है अंदर वाला सेंटेंस किस में है। तो देखिए, अंदर वाला सेंटेंस जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है और प्लीज से रिक्वेस्ट शो हो रहा है, तो सेड टू किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, और मी फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार हिम हो जाएगा। क्लियर है? तो टू गिव हिम हिज बुक फॉर टू डेज, बस समझे इतना। कंप्लीट क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम हिज बुक फॉर टू डेज। योर जो है टू गिव हिम और योर, मी के अनुसार माई बुक हो जाएगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। आगे देखिए, दे सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो सेड किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी व्हाई, दे आस्क्ड मी व्हाई, इसके बाद में यू, मी के अनुसार हो जाएगा आई, तो व्हाई आई वाज नॉट प्लेइंग। समझ में आया कैसे हुआ भाई, ये डब्ल्यू एच वाई क्वेश्चन वर्ड खुद डेड का काम करेगा, इसके बाद सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। तो कंप्लीट होगा, दे आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, तो इसका क्या हो जाएगा, द, अब यहाँ ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यानी कि टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, द टीचर सेड डैट ऑल मेन आर मोर्टल। ओके, नेक्स्ट, रीता सेज आई शैल डू इट, यहाँ भी शैल शुड में नहीं चेंज होगा, क्योंकि सेज आ गया, प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, रीता सेज डैट सी बिल, सी बिल डू इट। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और हुर्रे से पता चलता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, है ना। अब यहाँ बी बॉयज के अनुसार दे हो जाएगा, डैट दे हैव जाता है हेड में, तो डैट दे हैड वन द मैच। कंप्लीट क्या होगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। अब यहाँ इंटेरोगेटिव है, तो सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाई, इसके बाद यू, पेशेंट के अनुसार ही हो जाएगा, है ना, व्हाई ही हैड नॉट कम, और टू डॉक्टर के अनुसार हिम, टू हिम अर्लियर। क्लियर है, टू हिम अर्लियर, समझ में आया। आगे नेक्स्ट देखिए, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड में ऑलरेडी चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब यहाँ खुद ये हु डेड का काम करेगा, तो हु, ठीक, हु और यू, ही के अनुसार नहीं, यू जेंटलमैन के अनुसार ही हो जाएगा, है ना। तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज, हु ही वाज, और एक चीज और यहाँ पर यूज हुआ है, सर, तो सर यूज हुआ है, तो आप यहाँ इसलिए रेस्पेक्टफुली का यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली हु ही वाज एंड, है ना, एंड आस्क, क्योंकि आगे एक और सेंटेंस है ना, एंड आस्क्ड डैट एंड आस्क्ड, बस, एंड आस्क्ड व्हाई
asked why और he, you जो है gentleman के अनुसार he हो जाएगा, why he was dear ये हो जाएगा, समझ में आया। आगे देखिए, the old woman said to me, I lived here with my servant for a week। अब यहाँ I lived here ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब said to किस में जाएगा, told में, तो क्या होगा, the old woman told me, the old woman told me, that old woman के अनुसार he हो जाएगा, that he lived here, नहीं। अब यहाँ देखो that he ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो द ओल्ड मैन आस्क्ड नहीं टोल्ड मी, द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी डैट ही हैड लिव्ड, डैट ही हैड लिव्ड दियर विद और माय ओल्ड मैन के अनुसार हीज विद हीज सर्वेंट फॉर अ वीक, समझ में आया, कंप्लीट समझ में आया, द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी डैट सी हैड लिव्ड दियर विद हर, ओल्ड वुमेन के अनुसार हर जाएगा भाई, विद हर सर्वेंट फॉर अ वीक। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट, इसके बाद में यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, व्हाट आई हैड स्टडीड और यस्टरडे किस में चला जाएगा, द प्रीवियस डे में, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, अच्छा ये हो गया, सी सेड टू हर फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, हाँ सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड डैट, क्लियर है डैट, अब यहाँ बी सी चूंकि थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन से जो प्लूरल निकलता है दे निकलता है, तो डैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी डियर, क्वाइट हैप्पी डियर डैट प्लेस, क्लियर है। आगे देखिए, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, अब क्या होगा, सिंपल सेंटेंस है, तो ही सेड डैट, अब यहाँ दे हो जाएगा क्योंकि बी प्लूरल है, तो ही थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन मिलता है, दे मिलता है, तो ही सेड डैट दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, ओके, इन दिस लाइफ जब संकेत किया जाए तो वहाँ पर पास की चीज़ों के लिए, तब वहाँ दिस डैट नहीं होगा, ओके। ही सेड आई विल कम हियर, तो क्या हो जाएगा, ही सेड डैट ही वुड कम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही वुड गो, कम चेंज होता है गो में, तो ही वुड गो और हियर चला जाएगा दियर में, अगर आप हियर को दियर में चेंज कर रहे हैं तो कम को गो में चेंज करना रहेगा भाई, वो यहाँ जाएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, वो यहाँ आएगा, वो वहाँ आएगा नहीं, वो वहाँ जाएगा, तो वही चीज, क्लियर है। आगे देखिए, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, क्या होगा, सी आस्क्ड मी, क्योंकि इंटरोगेटिव है ना, तो क्या होगा, हाँ सी आस्क्ड मी व्हेन, अब शैल सी आई जो है सी के अनुसार सी हो जाएगा, व्हेन सी वुड, क्योंकि आई के साथ सेल तो सी के साथ बिल, तो बिल का वुड हो जाएगा, व्हेन सी वुड हेल्प और यू मी के अनुसार मी, तो व्हेन सी वुड हेल्प मी, कंप्लीट क्या होगा, सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड हेल्प मी, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, क्या हो जाएगा ये रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड में जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार मी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टू हेल्प मी जस्ट नाउ चेंज होता है देन में, जस्ट देन, अब कुछ चेंज आपको याद रखना होगा, जैसे नाउ चेंज होगा देन में, यहाँ पर गो चेंज कम चेंज होगा गो में, क्लियर है। अब इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, देखिए क्या है, ही रिक्वेस्टेड मी, वन बाई वन आप ऐसे देख सकते हैं,
ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर टू डेज. दूसरा, दे आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट प्लेइंग. द टीचर सेड डेट ऑल मैन आर मोर्टल. रीता सेज डेट सी विल डू इट. द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट दे हैड वन द मैच. नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर. ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज दियर. नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी डेट सी हैड लिव्ड दियर विद हर सर्वेंट फॉर अ वीक. ही आस्क्ड मी वॉट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे. सी टोल्ड हर फ्रेंड डेट सी कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी दियर डेट प्लेस. ही सेड डेट ही कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ. ही सेड डेट ही वुड गो दियर. सी आस्क्ड मी वैन सी वुड हेल्प मी. आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन. क्लियर है?